प्रमोशन सहित वरिष्ठता सूची जारी किए जाने तथा कन्नौज में लेखपालों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ बुधवार को राजस्व निरीक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात किया और उन्हें अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। देने आए राजस्व निरीक्षक संघ का कहना था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 1 अक्टूबर को होने वाले तहसील दिवस का बहिष्कार करेंगे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए राजस्व संघ के जिलाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने कहा, 7 जनवरी में अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने के बाद मार्च में पुनः अंतिम सूची जारी कर दी गई आपत्ति मांग। नियम विरुद्ध यही कर दिया गया, अंतिम सूची जारी करने के बाद आपत्ति मांगी गई। एक बार अंतिम सूची हुई, फिर अंतिम सूची हो गई, अंतिम सूची के बाद फिर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। अंतिम सूची जारी करने के बाद दोबारा आपत्ति मांग करके मार्च में अंतिम सूची जारी कर दी गई। ऐसे तो नहीं गंभीर आरोप उसके बाद गंभीर शिकायत सर आपत्ति किए भी और इसके बाद पुनः पता नहीं किस स्तर पर फिर अंतिम सूची जारी होगी और भी वो खाली प्रोसेस में है। या तो उल्लंघन करने का ही मतलब रहा, बाकी हवाला उच्च स्तर पर चल रहा है ये मामला और उसमें अब कहीं कोई बाधा नहीं है, थोड़ा सा दबाव बन जाएगा वो जगह फिर वो दुरुस्त करने के बाद दोबारा आपत्ति मांगी गई। अब उसमें कहते हैं कि कुछ लोगों का प्रमोशन जो 2016 में हो जाना चाहिए था, कुछ लेखपालों का 2017 में हुआ, उनके स्थान को रखने को लेकर समस्या है, 6 महीने से लटका है, इतनी पहले ही बहुत दबाव बना है। तो सर शासन में उनकी गाइडलाइन है, उसको फॉलो ना करें। प्रमोशन किस पे होगा? नेटवर्क उसमें फीडिंग कार्ड में कितने परसेंट है? 45% डायरेक्ट आते हैं पीसी से और 50% प्रमोशन। अच्छा, 50 है उसमें सर, 41% राजस्व निरीक्षक है, 9% तो अब उसमें कोई समस्या नहीं है सर, विधि कड़कन कोई नहीं, एक रीड भी थी वो भी खारिज हो चुकी है, एचआर काम द्वारा वो भी खारिज हो चुकी है, कोई समस्या नहीं है, बस परिषद का जो है रवैया बढ़िया नहीं है जिसकी वजह से हम लोग 1 साल विलम्ब हो चुके, अभी नए आ गए हैं जो नैब के जाते हैं उनसे सीनियर हो जाएंगे, फिर रिजल्ट आ रहे हैं हम लोग सीनियर जाएंगे, आगे के लिए हम लोग का नुकसान हो रहा है, इसलिए सर हम लोग का 24-26 दिन सांकेतिक आंदोलन है सर और 1 तारीख को जिले के समस्त राज्य जिले में इकट्ठा होकर के 10 दिनों से आंदोलन करेंगे। मैं वीर बहादुर सिंह, राजस्व निरीक्षक, जिलाध्यक्ष गोरखपुर। डीएम साहब से हम लोग मिले हैं और 2 पत्रक दिए हैं। एक पत्रक जो सर्वप्रथम हम लोगों का प्रांतीय नेतृत्व द्वारा आंदोलन घोषित किया गया है, हम सभी राजस्व निरीक्षकों का नायब तहसीलदार पे प्रमोशन होना है और अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करके प्रोन्नति नहीं की जा रही है, जो पिछले 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी प्रोन्नति, अभी तक वरिष्ठता सूची नहीं जारी की गई। अंतिम सूची जारी करने के बाद दोबारा वरिष्ठता की अनंतिम सूची जारी कर दी गई जो नियम विरुद्ध है और 6 महीने हो गए उसके बाद भी अंतिम सूची जारी नहीं की गई, जिसके वजह से हम लोगों का अपूर्णीय क्षति हो रहा है। उसके लिए हम लोग सांकेतिक आंदोलन किए हुए हैं, 24-25-26 दिन का ये है, काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं और 1 अक्टूबर को प्रदेश के समस्त राजस्व निरीक्षक जिले पर उपस्थित होकर के तहसील दिवस का बहिष्कार करेंगे, आंदोलन करेंगे। उसके बावजूद यदि माननीय शासन परिषद द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। दूसरा एक और भी प्रकरण था जो कन्नौज में कल बहुत ही विवश घटना हो गई है, हमारे लेखपाल साथियों के द्वारा वहाँ के वकीलों ने बहुत ही विवश घटना किया, मारपीट की उनके और सबसे वो भी जिला मुख्यालय पर डीएम साहब की उपस्थिति में किया, ये बहुत ही अशोभनीय घटना है जिसकी वजह से हम सभी आहत हैं और प्रदेश के समस्त राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, रजिस्ट्रार, कानून को ये सब के सब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और ये इसके लिए हम लोग लेखपाल संघ का भरपूर समर्थन करते हैं और उसका भी पत्रक हम लोग राजस्व निरीक्षक संघ, रजिस्ट्रार, कानून संघ दोनों दिया है डीएम साहब को। ठीक है।